स्वस्थ भारत स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत प्रभु श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर देश के गौरवशाली प्रधानमंत्री आदरणीय श्री मोदी जी के आह्वान पर 14 जनवरी से 22 जनवरी तक 2024 तक जो स्वच्छ भारत बनाने का संकल्प माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा लिया गया है, जिसमें देश के सभी मंदिरों पूजनीय स्थलों एवं सार्वजनिक जगहों को स्वच्छ और सुंदर बनाना है। जिस कार्यक्रम को सफल करने का प्रयास 143 कस्ता विधानसभा के मंडल बेहजम के भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा किया गया, जिसका शुभारंभ मंडल बेहजम के लखनापुर स्थित श्री बालाजी के दिव्य दरबार से किया गया, जिसमें बाबा के पूरे परिसर को स्वच्छ एवं सुंदर बनाया गया। इस दौरान कार्यक्रम में उपस्थित रहे जिनके नेतृत्व में ये कार्यक्रम किया गया, ऐसे पूर्व जिला मंत्री भाजपा आदरणीय मनोज वर्मा जी, जिसके निर्देशन में ये कार्यक्रम समापन हुआ। आज सर्वप्रथम हम बालाजी महाराज पावन पवित्र स्थल पर हैं, तो एक बार सब लोग जय घोष करेंगे, बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आज जैसा आप सब जानते हैं, सारे देशवासी जानते हैं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर सफाई स्वच्छता अभियान, जो हमारे राष्ट्रपिता देश के महात्मा गांधी जी थे, उनका एक सपना था कि हमारा देश स्वच्छ और सुंदर बने, तभी हम विकसित राष्ट्र की श्रेणी में आ सकते हैं। क्योंकि स्वच्छता ही एक ऐसा विषय है जिसके द्वारा हम, अगर गंदगी ना हो तो बहुत सी बीमारियां जो हमारे आसपास नहीं भटक सकती हैं। तो स्वच्छता ही हर जो भी मानव है, जो इंसान अपने देश, गाँव, गली, शहर, जहाँ भी रहता है, अगर अपने स्थान पर वो स्वच्छता रखता है तो बहुत सी बीमारियों से भी हमें छुटकारा मिलता है। और जब कोई मेहमान दूसरी जगहों से आता है तो देखता है कि यहाँ का वातावरण कितना स्वच्छ और सुंदर है, इससे हमारी ख्याति जो है, अगर हम देश में रह रहे हैं, विदेशों के लोग आ रहे हैं तो विश्व स्तर पर ख्याति होती है, अगर हम किसी प्रदेश में रह रहे हैं तो दूसरे प्रदेशों में मैसेज जाता है, अगर किसी गांव या शहर में हम रह रहे हैं तो दूसरे गांव और कस्बों शहरों में मैसेज जाता है कि वहां के लोग स्वच्छ वातावरण में रहते हैं और अपने देश की संपत्ति को अपनी संपत्ति मानते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 22 जनवरी को प्रभु श्री राम का जो भव्य मंदिर का सपना, तमाम कार सेवकों के सहित देश के हर एक हिंदू का सपना जो था, जो सपना सब लोगों ने मिलकर देखा था, वो 22 जनवरी को साकार होने जा रहा है। और जिसकी प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में मुख्य भूमिका निभा रहे देश के गौरवशाली प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने संकल्प लिया है कि 22 जनवरी तक कम से कम एक सप्ताह का स्वच्छता अभियान हमारी भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं के द्वारा, जितने भी देव स्थल हैं, जितने भी पौराणिक स्थल हैं, पूजनीय स्थल हैं, हमारे जो भी सार्वजनिक जगह हैं, वहाँ पे झाड़ू लगाकर साफ सफाई करके मैसेज देना है कि अब भारत विश्व गुरु बनने की तरफ अग्रसर है, विकसित राष्ट्र बनने की तरफ अग्रसर है। जो नरेंद्र मोदी जी ने यह संकल्प लिया है, उसी संकल्प को साकार करने के लिए हम आदरणीय, हमारे पूर्व में जिला महामंत्री रहे, जिला मंत्री रहे और भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न पदों को लखीमपुर में सुशोभित किया है, ऐसे हमारे आदरणीय दादा मनोज वर्मा जी के नेतृत्व में आज बालाजी महाराज लखनापुर के इस देव स्थान पर सच्चे दरबार में हम सभी अपने इस मंडल के, बेहजम मंडल के एसोसिएशन मंडल अध्यक्ष आदरणीय अजय वर्मा जी के नेतृत्व में हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं और पूरे परिसर को स्वच्छ और सुंदर बनाने का जो संकल्प हमारे अध्यक्ष जी के द्वारा मनोज दादाजी के नेतृत्व में लिया गया था, उसको पूरे वातावरण को साफ सफाई करके और स्वच्छ करने का हम लोगों ने एक प्रयास किया है। और इस वीडियो के माध्यम से हम लोगों से भी हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं, जो संकल्प देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने लिया है, सभी युवाओं को, सभी माताओं को, सभी बहनों को और सभी बुजुर्गों को ये एक संकल्प लेना है कि स्वच्छ और सुंदर भारत का सपना जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने देखा है, 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का जो संकल्प लिया है, भारत को विश्व गुरु बनाने का संकल्प लिया है, इस सपने में आप सब लोग तन मन हर तरीके से समर्पित होकर उनके हाथों को मजबूत करें और उनके सपनों को साकार करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को देता हूं विराम, बोलो जय श्री राम।